सो आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया है। वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। इस वीडियो को बनाने का ज्यादा कुछ मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको बनाना चाहिए। हम जब नया लैपटॉप लेते हैं तो सबसे पहले एक चीज करते हैं, इसके जो कीपैड होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं एक सिलिकॉन कवर, जो कि 100 रुपए के अंदर में आराम से आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगा, ऑफलाइन और भी सस्ते में मिल जाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने लिया था ये आरओजी वाला लैपटॉप एसुस का, जिसका कीपैड है बहुत ही बड़ा, मतलब आप देख सकते हैं कीज तो छोटे छोटे हैं लेकिन इसका एरिया बहुत ही बड़ा है। ऊपर में ये देखिए, यहाँ पे 5-6 कीज देख सकते हैं, 5 कीज ये ऊपर में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से चालू होता है एंड नीचे आते आते यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ तक आओगे देखो यहाँ पे नीचे, और ये अप डाउन एरो जो है, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट ये नीचे है, तो आप लोग देख सकते हो इसका कीपैड है बहुत ब्रॉड है। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने मंगाया है ये अपना सिलिकॉन कवर, तो मैं देखता हूँ ये इसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। सो इसको अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। सो दोस्तों ये है सिलिकॉन कवर, इसको अभी खोल लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो कीपैड का सिलिकॉन कवर अनबॉक्सिंग वीडियो है ही नहीं, इस वीडियो का पर्पस यही है। बहुत से लोग आजकल आसूस के आरओजी लैपटॉप ले रहे हैं, साथ ही साथ में दूसरे लैपटॉप भी ले रहे हैं जिसका जो कीपैड है उसका विड्थ बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेके एकदम नीचे यहाँ तक रहता था, फिर भी सही रहता था, लेकिन और नीचे यहाँ पे भी जो अप डाउन लेफ्ट राइट एरो वाले बटन है ये भी नीचे दिए गए हैं, यहाँ तक रहता था सही रहता था, ऊपर भी 5 बटन दिए गए हैं। तो हमें देखना है कि ये पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, तो इसको यहाँ पे बिठाता हूँ एंड सो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कवर किया है, लेकिन बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ है ये साइड में और ये साइड में। आपको मैं थोड़ा सा इसको उठा के दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर का जो 5 बटन है इसमें कवर हो गया है एंड और अप डाउन लेफ्ट राइट जो एरो था वो भी इसमें कवर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ जो कि आपको बताना ज़रूरी है, आप लोग देखिए ये जो मैं जब भी इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है, आप स्लाइटली देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा बाहर निकला हुआ है, ये साइड में निकला हुआ है एंड इधर भी डालेंगे एकदम लाइन में, इधर भी थोड़ा हल्का सा निकला हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये जैसा आया रहेगा ना, यहाँ पे देखिए एक हल्का सा फोल्ड है, अगर फोल्ड नहीं भी रहेगा आप भी फोल्ड कर सकते हैं, इसको हल्का सा ऐसा फोल्ड कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोल्ड पहले से था तो हल्का सा मैंने फोल्ड कर लिया एंड अगर अभी इसके ऊपर रखता हूँ, इसको फोल्ड करने के बाद भी ये साइड तो अच्छे से चिपक जाएगा लेकिन ये साइड चिपकेगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों सिलिकॉन कवर में मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा काट दूंगा। सो आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया है, सो इसको साइड में रख दिया एंड ये वाला हिस्सा जो देख सकते हैं इसको यहाँ पे चिपका देते हैं एंड दिस इज डन। सो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने इसको काट दिया, आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने चिपका भी दिया है, ये फिक्स भी है हल्का सा। सो मेरे ख्याल से कीपैड के अंदर में ज़्यादा डस्ट आना नहीं चाहिए, कुछ हद तक तो डस्ट आ ही जाएंगे लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये कीपैड का सिलिकॉन कवर गंदा हो जाता है तो आप एक काम कीजिए,
इसको थोड़ा सा डिटर्जेंट पानी में थोड़ा सा साफ कर लीजिए एंड ऐसा टांग के उसको सुखा लीजिए, उसके बाद वापस डाल लीजिए, ये चिपक जाएगा। इसका जो बेस बाय लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।